हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनोज शर्मा और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म आगे कंटिन्यू, जिसको हम टीएस ग्रेवाल टेक्स्ट बुक से कर रहे हैं। अब तक इसके 1 to 44 क्वेश्चन हो गए, आज 45 क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं। और अब ये चैप्टर अबाउट टू कम्प्लीट है, बहुत जल्दी इसको कम्प्लीट कर लेंगे और इसके बाद जो है सेकेंड बुक यानी कि जो वॉल्यूम सेकेंड है कंपनी अकाउंट्स, जिसमें इशू ऑफ शेयर वाला चैप्टर है, वो स्टार्ट कर देंगे। मैं क्वेश्चन को रीड करता हूं, आप देखिए। लिखा है ए एंड बी वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज एज टू 7/11 टू ए, 4/11 टू बी, यानी कि 7:4 का रेशियो है। दे डिजॉल्व द पार्टनरशिप ऑन 30th May 2022, उन्होंने अपनी फर्म को डिजॉल्व कर लिया। एज ऑन दैट डेट देयर कैपिटल वर ए 7000 एंड बी 4000, दोनों की कैपिटल बता रखी है। देयर वर ऑल्सो ड्यू ऑन लोन टू ए 4500 एंड टू बी 750, यानी कि फर्म ने लोन भी ले रखा है ए और बी से। द अदर लाइबिलिटी अमाउंटिंग टू रुपी 5000 और लाइबिलिटी बता रखी है। द असेट्स प्रूव टू हैव बीन अंडर वैल्यूड इन द लास्ट बैलेंस शीट एंड एक्चुअली रिलीज रुपी 24000, ये बता रखा है कि पिछली बैलेंस शीट में हमने असेट्स को अंडर वैल्यूड कर रखा था, यानी कि कम ले रखा था। हमें नहीं पता कितने की असेट्स थी, हमें एक बैलेंस वर्किंग नोट्स में बनानी होगी, मेमोरेंडम बैलेंस शीट, उससे हम फाइंड आउट कर लाएंगे कितनी सन्ड्री असेट्स है। वो ये बता रखा है कि वो रिलीज इतने की हुई है, सेल आउट इतने की हुई है। प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट शोइंग द फाइनल सेटलमेंट बिटवीन पार्टनर्स, और हमें जो है नेसेसरी अकाउंट बनाने हैं। तो सबसे पहले तो मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनती है, याद रख लो। जब आपको क्वेश्चन समरी बेस हो कि इतनी कैपिटल है, इतनी लाइबिलिटी है, इतना लोन है, असेट्स इतने की रिलीज, हमें ये नहीं पता कि असेट्स थी कितने की, तो उसके लिए वर्किंग में बना लेंगे मेमोरेंडम बैलेंस शीट, याद रख लो। फेयर में तो रियलाइजेशन अकाउंट से स्टार्टिंग होगी। हम यहाँ एक ही तरफ इसलिए दिखा रहे हैं कि आपको दोनों चीजें एक साथ दिख जाएंगी, वरना आपको मेमोरेंडम बैलेंस शीट वर्किंग नोट बनाओ उसमें दिखानी है, और जो फेयर में दिखाना है रियलाइजेशन से शुरू करो, रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट। आप शुरुआत करते हैं, देखो मेमोरेंडम बैलेंस शीट जो जो चीजें गिवन है वो लिखते जाओ। दो पार्टनर दे रखे हैं, दोनों की कैपिटल दे रखी है आपको 7000 और 4000, लिख दो यहाँ कैपिटल, लिख दो 7000 और 4000। ये तो बैलेंस शीट में अभी पुट कर रहे हैं हम, बैलेंस शीट बना रहे हैं खुद, क्योंकि क्वेश्चन में बैलेंस शीट गिवन नहीं है। अगला दे रखा है दोनों ने लोन प्रोवाइड कर रखा है फर्म को, तो यहाँ लिखो ए लोन और बी लोन, एक का 4500 एक का 750, 4500 और 750। चलो जी, ये तो अभी हम समरी में से लिखते जा रहे हैं जो जो चीजें गिवन है। लाइबिलिटी भी दे रखी है 5000, लिख दो यहाँ पर लाइबिलिटी कितनी दे रखी है, लाइबिलिटी 5000, और कुछ नहीं बता रखा कि सन्ड्री असेट्स कितने की थी, वो फाइंड आउट हो जाएगी बैलेंस शीट से। टोटल चेक कर दो यहाँ से, देखो 7 और 4 कितना हो गया 11, 15, उसके बाद 20, 21,250 आ गई सन्ड्री असेट्स, नोट करो, लिख दो 21,250 आ गई आपकी सन्ड्री असेट्स। सन्ड्री का मतलब मोर देन वन असेट्स, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन नहीं थी, ये बैलेंसिंग फिगर आई है आपकी, याद रख लेना, क्लियर है, ये लिख लो। ये तो बन गई हमारी बैलेंस शीट। जर्नली हमें क्या है, रियलाइजेशन से पहले बैलेंस शीट मिलती है। देखो अब हमें बैलेंस शीट नहीं थी तो हमने बैलेंस शीट बना ली, अब इसको बेस बना के रियलाइजेशन बना दो। क्या करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में, बैलेंस शीट से असेट्स को ट्रांसफर करते हैं। मैंने हमेशा बता रखा है, ना भी किसी को समझ आए, ये डेबिट बैलेंस है ध्यान रखना, और ये कौन से बैलेंस थे, लाइबिलिटी के क्रेडिट, ये क्रेडिट साइड है, तो जब भी ये ट्रांसफर होंगे क्रेडिट में आएंगे, असेट्स ट्रांसफर होगी तो डेबिट में, किसी को डेबिट क्रेडिट की कॉन्सेप्ट ना हो, क्रॉस करके लिखते हैं। सन्ड्री असेट्स किधर दे रखी है, राइट हैंड साइड, किधर लिख दो, लेफ्ट हैंड साइड, लिख दो यहां पर टू सन्ड्री असेट्स। ये तो अभी बैलेंस शीट से वर्क है जो आपने कर रखा है, नोट करो कितना आया है 21,250। ये तो सारी असेट्स ट्रांसफर हो गई, पहले बैलेंस शीट से ही वर्क है, अब लाइबिलिटी साइड से ट्रांसफर हो। पार्टनर के रिलेटिव लोन लिखते हैं रियलाइजेशन में, याद रख लेना, पार्टनर के पर्सनल लोन नहीं लिखेंगे। रिलेटिव का मतलब एक ही वाइफ का लोन हो, एक ही ब्रदर का, सिस्टर का, फादर का, जो भी हो उसके रिलेटिव का हो, उनका पर्सनल लोन रियलाइजेशन में नहीं आएगा। वो तीन केस आपको बता रखे हैं कब आएगा, या तो इन लोन की पेमेंट आपने ज्यादा कर रखी है तो उससे लॉस हुआ है वो आ जाएगा उतना अमाउंट, यदि कम कर रखी है तो प्रॉफिट हुआ फर्म को तब इधर आ जाएगा जितना प्रॉफिट हुआ, या ये कभी कोई फर्म की असेट्स टू कवर कर ले तब आएगा, वरना ये इन तीन केस को छोड़कर कभी भी रियलाइजेशन में नहीं आएगा। तो यहां तो कुछ लिखा ही नहीं कि इन्होंने कुछ टुक ओवर किया या इनको कम पेमेंट की, तो ये तो आने नहीं। लाइबिलिटी लिख दो जितनी दे रखी, ये बैलेंस शीट से आइटम हम ट्रांसफर कर रहे हैं, याद रख लेना 8000। चलो जी, ये हो गया, अब शुरुआत करते हैं। उसने लिखा है कि असेट्स जो थी वो 24 में रिलीज हो गई, आपने अंडर वैल्यूड कर रखी होगी लिखा है,
यहां लिख दो बाई बैंक, जब भी असेट्स रिलीज होगी किधर लिखेंगे आप, क्रॉस करके याद रख लो कितना अमाउंट है 24,000। एक एक कॉन्सेप्ट कर समझ के चलो। अब ये लायबिलिटी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, क्या हुआ क्या नहीं, पे ऑफ करनी होती है याद रख लो अपने आप, लिख दो टू बैंक, हर स्टेप को सोच के चलो कभी प्रॉब्लम नहीं होगी, लिख दो लायबिलिटी पेड कितना अमाउंट है 5,000, और कोई आइटम नहीं दे रखी, कोई एक्सपेंस नहीं है। अब इसको क्लोज कर दो, क्लोज करते हो तो देखो उधर का टोटल 29, इधर का कम बनता है, लिख दो जोन सी साइड बड़ी है प्रॉफिट आ गया 29,000, लिखो 29, और यहाँ डिफरेंस इसका निकाल लो कितना बन जाएगा 2,750 आ गया, याद रख लो ये क्या चीज आ गई, प्रॉफिट आ गया, लिख दो प्रॉफिट ट्रांसफर टू कौन पार्टनर दे रखे, एक तो ए को लिख दो ए कैपिटल, एक लिख दो बीज कैपिटल, और कौन सी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा नोट कर लो, ये बीज मेंशन है 7:4 उस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जब डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो एक का तो आएगा 1,750, एक का आएगा 1,000, कैसे आया वो भी देख लो, 2,750 इनटू करो 7/11 तो कितना आ जाएगा 1,750, ऐसे 2,750 इनटू 4/11 क्लियर है, ये आ जाएगा 1,000, ये तो क्लियर हो गया, ये तो बन गया रियलाइजेशन। अब करते हैं इसका कैपिटल अकाउंट और फिर बैंक अकाउंट, तो अब स्टार्टिंग करते हैं पार्टनर कैपिटल अकाउंट, रियलाइजेशन तो बन गया, अब कैपिटल बनाएंगे, कैपिटल के बाद बना देंगे बैंक अकाउंट, अच्छा इसमें लिखा हुआ है नेसेसरी लेजर अकाउंट, तो पार्टनर के लोन अकाउंट भी बना देंगे, वो हमने थोड़े छोटे बना दिए जो आपको एक ही ब्लैक बोर्ड पे समझ आ जाएगा, ए का इधर बना देंगे और बी लोन इधर बना देंगे। तो पहले तो करते हैं कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट की सबसे पहले बैलेंस वीडी लिखी जाएगी, लायबिलिटी साइड में तो क्रेडिट साइड लिख दो भाई बैलेंस वीडी जितना दे रखा है, हमेशा जब भी कोई अकाउंट बनाओगे और बैलेंस शीट में उसके बैलेंस है तो बैलेंस वीडी लिखा जाएगा, असेट्स का लिखा जाएगा डेबिट साइड, लायबिलिटी का लिखा जाएगा क्रेडिट साइड, ये लायबिलिटी में गिवन थे इसलिए क्रेडिट साइड, कितना अमाउंट दे रखा है नोट करो 7,000 और 4,000 लिख दो 7,000 और 4,000। अब थोड़ा चलो रियलाइजेशन अकाउंट पे, प्रॉफिट आया था, अच्छा याद रख लो जो भी आइटम हम इधर लिखेंगे कैपिटल इंक्रीज करते हैं, जो इधर लिखते हैं कैपिटल डिक्रीज, प्रॉफिट आएगा तो जाहिर बात है कैपिटल इंक्रीज होगी, तो किधर लिखा जाएगा इधर, वरना लेजर पोस्टिंग है, रियलाइजेशन में किधर लिखा हुआ था प्रॉफिट डेबिट साइड याद करो ए कैपिटल और बी कैपिटल, जब भी वो दूसरे लेजर में जाएगा तो क्रॉस करके जाएगा ये रहा, इसके यहां लिख दो रियलाइजेशन अकाउंट जिस अकाउंट से लेके आ रहे हो, ब्रैकेट में कर दो प्रॉफिट जो आया था कितना कितना आया था, थोड़ा ध्यान हो इसका तो 1,750 था, इसका 1,000 आया था, ये चीज क्लियर हो गई, और कोई बैलेंस शीट में एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट नहीं है जो डिस्ट्रीब्यूट करें, कोई एक्यूमुलेटेड लॉस नहीं है जो राइट ऑफ करें। अब इसको क्लोज कर दो, क्लोज करते हो तो 8,750 तो ये आ गया, 5,000 ये आ गया, दोनों को पेमेंट कर दो क्योंकि पेमेंट करनी पड़ेगी, लिखो 8,750 और 5,000, या लिख दो 5,000 8,750, बहुत ईजी है, लिख दो टू बैंक और ब्रैकेट में कर दो फाइनल पेमेंट जो पार्टनर को हमने कर दी, क्लियर है ये तो हो गया हमारा पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अब प्रिपेयर करते हैं बैंक अकाउंट, बैलेंस बीडी लिखना था लेकिन क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है, अब रियलाइजेशन से ही चलते हैं, देखो डेबिट साइड क्या आएगा, जो असेट सोल्ड हुई थी याद करो कितने की सोल्ड हुई थी 24,000, वो यहां पर लिखो टू, कौन से अकाउंट से लेके आ रहे हो ये रहा, कैसे लिखा देखो, रियलाइजेशन में जब हम कैपिटल ढूंढ रहे थे तो कैपिटल में चले गए, अब हम रियलाइजेशन में बैंक देखेंगे किधर लिखा है क्रेडिट साइड और डेबिट साइड, क्रेडिट साइड में 24,000 लिखे हैं जो कि असेट सोल्ड है, तो वो जब बैंक अकाउंट में आएंगे तो किधर आएंगे डेबिट साइड, और कौन से अकाउंट से लेके आ रहे हो रियलाइजेशन से लिख दो, और ब्रैकेट में लिख दो असेट सोल्ड, बहुत आसान है आराम से सोच के चलते जाओ, वैसे भी बैंक में इधर जो लिखते हैं इनफ्लो होगा, सेल करते हैं तो इनफ्लो हो गया, अब आउटफ्लो की आइटम देखो, वरना क्रॉस करके लिखना आपने याद रख लो, लेजर पोस्टिंग 11th का पार्ट है, रियलाइजेशन में जिधर बैंक ढूंढो, वी आर मेकिंग द बैंक अकाउंट, जब बैंक बनाएंगे तो बैंक देखेंगे कहां है, जब कैपिटल बनाएंगे तो कैपिटल देखेंगे कैपिटल कहां का लिखा है, हमने कैपिटल प्रॉफिट लिखा था देखो ये रहा डेबिट साइड वो लिख दिया, अब बैंक ढूंढो रियलाइजेशन में कहां लिखा है डेबिट साइड लिखा है, जो लायबिलिटी की पेमेंट कर रखी है आपने वो लिख दो, कौन से अकाउंट से लेके आ रहे हो रियलाइजेशन से लिख दो रियलाइजेशन अकाउंट, कितना अमाउंट था याद करो ये लायबिलिटी पेड है लिख दो लायबिलिटी पेड, ये हमारी थी 5,000 नोट करो, वहां डेबिट में लिखी थी रियलाइजेशन में टू बैंक, अब बैंक अकाउंट में जब आएगी तो क्रॉस करके, अभी आपको कैपिटल से भी नजर आ जाएगा, कैपिटल में बैंक देखो हम बैंक बना रहे हो तो बैंक ढूंढो किधर लिखा है, इधर तो लिखा ही नहीं ये लिखा हुआ किधर जाएगा क्रॉस करके, लिख दो यहां पर बाय ए कैपिटल यहां पर बाय बी कैपिटल जो फाइनल पेमेंट आपने करी, कितना कितना अमाउंट है लिख दो,
एक का तो आ रहा है 8750, एक का आ रहा है 5000। ये क्लियर हो गया, ये तो अभी आपका ये बन गया। अब दो लोन भी थे, याद करो, एक तो ए का लोन था और एक बी का लोन था, वो भी लिखो यहां पर कितना कितना लोन था, नोट करो थोड़ा सा। 4500 तो एक का था और बी का कितना था 750, लिख दो बीज लोन। इसका तो था 4500 और इसका था 750, क्लियर हो गया। अब इसका करते हैं टोटल, ये मैच करनी चाहिए, ये मैच करती है तो समझ लो पीछे का वर्क हमारा करेक्ट है, उसमें कोई एरर नहीं हुई। इधर तो टोटल 24 बनता है, उधर भी 24 बनना चाहिए। 750, 1500 और 5, 2000 तो यही बन गया, 2 कैरी हो गया, याद रखना। 8 और 2, 10, 10 और 10, 20, 24 आ गया, देखो दोनों साइडें मैच कर गई, क्लियर है, ये चीज क्लियर हो गई। अब इस क्वेश्चन में आपको लोन अकाउंट भी बना के दिखाने हैं। क्यों बनाने हैं? क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जो पार्टनर के साथ सेटलमेंट हुई है उसको भी शो करो, तो लोन अकाउंट लिखो। अच्छा, दोनों बैलेंस शीट की लायबिलिटी में लिखे हुए हैं तो पहले बैलेंस बीडी लिखे जाएंगे। सबसे पहले तो यहां लिख दो भाई बैलेंस बीडी, जितना आपको दे रखा है, कितना दे रखा है, इसका तो दे रखा था 4500, अब इसकी पेमेंट कर दो यहां, ये लो 4500, ये रहा 4500, और 2 कर दो बैंक जो पेमेंट करी, तभी तो वो बैंक अकाउंट में गई थी, याद करो 4500। ये क्लियर हो गया, ये लोन ऐसे बन गया। ऐसे बी का बना दो, बी का भी लायबिलिटी में दे रखा है तो क्रेडिट साइड लिखा जाएगा बैलेंस बीडी, जितना दे रखा है ये लिख दो, 750 दे रखा है 750 लिखो, 50 ये बंद कर दो जरा, ये और बनाने थे दो हमें इसमें भी, ये चीज क्लियर हो गई। ये भी यूं बनाने पड़ गए क्योंकि उसने लिखा था आपको नेसेसरी लेजर अकाउंट बनाने हैं और जो पार्टनर के साथ सेटलमेंट हुई है वो भी शो करो, तो इसलिए ये दो भी बना के दिखा देने चाहिए। तो ये तो हो गया हमारा 45। अब एक और क्वेश्चन करते हैं 46। मैं क्वेश्चन रीड करता हूं, आप देखिए, लिखा है ए बी एंड सी स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2022 विद कैपिटल ऑफ ₹1,80,000, ₹60,000 रिस्पेक्टली। तीन पार्टनर है, तीनों की कैपिटल दे रखी है। शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 4:3:3 और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बता रखा है। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 द फर्म इनकर्ड ए लॉस ऑफ ₹50,000, यानी कि एक साल बाद की कहानी है, जो कैपिटल दे रखी है एक साल पहले की दे रखी है और बाद में बता रहा है कि आफ्टर वन ईयर फर्म को लॉस हो गया 50,000 का। ईच ऑफ द पार्टनर विड्रू 10,000 ड्यूरिंग द ईयर और पार्टनर की ड्रॉइंग्स भी बता रखी है 10,000 ऑन 31 मार्च 2023, यानी कि 23 में डिसोल्यूशन हुआ है, द फर्म वॉज डिसॉल्व्ड। तो हमें जो कैपिटल अकाउंट चाहिएंगे वो 23 के चाहिए, जबकि ये कैपिटल के बैलेंस दे रखे हैं 2022 के। द क्रेडिटर ऑफ द फर्म स्टूड 24,000, क्रेडिटर आपको बता रखे हैं 24,000 के। एंड कैश इन एंड वॉज ₹4,000 और ये भी बता रखा है उस दिन कैश इन एंड 4,000 था। द असेट्स रिलीज तो बता रखी है कि 3 लाख की, ये नहीं बता रखी थी कितने की, तो मेमोरेंडम बैलेंस शीट से निकाल लाएंगे कितने की थी। एंड क्रेडिटर वर पेड 23,500 इन फुल सेटलमेंट और क्रेडिटर की पेमेंट बता रखी है। क्वेश्चन में खाली रिक्वायरमेंट है प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट एंड शो यूर वर्किंग क्लियरली। आपको खाली रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, लेकिन रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, कैपिटल अकाउंट वर्किंग में बनाना है। वहां से हम जो है 23 के कैपिटल के बैलेंस ले आएंगे, जिनको मेमोरेंडम बैलेंस शीट में शो करेंगे 23 के बैलेंस को। हमें दे रखे 2022 के बैलेंस, तो कैसे बनता है देखते जाओ। सबसे पहले कैपिटल अकाउंट बनाओ, वहां बैलेंस बीडी लिख दो जो आपको दे रखा है, बाय बैलेंस बीडी। डिजॉल्व फर्म जो हो रही है वो 31 मार्च को हो रही है, नोट कर लेना। और ये जो बैलेंस आपको दे रखे हैं ये लिखे हैं 2022 के, नोट कर लो। तो हमें जो इस बैलेंस शीट में लेके आएंगे वो कौन सी डेट के कैपिटल अकाउंट होने चाहिए, इस डेट के कैपिटल अकाउंट से निकाल लाएंगे। कैपिटल दे रखी है 1,80,000 और 60,000, कैपिटल दे रखी है इसकी तो 1 लाख, दूसरे की दे रखी है 80,000 और तीसरे की दे रखी है 60,000। ये तो क्लियर हुआ यहां तक, कोई दिक्कत नहीं। अब क्वेश्चन के अंदर आपको क्लियर बता रखा है कि फर्म को लॉस हुआ था 50,000 का। मैंने आपको बता रखा है इधर कोई भी आइटम लिखते हैं कैपिटल इंक्रीज होगी, इधर लिखते हैं डिक्रीज होगी। प्रॉफिट होगा तो इधर लिखेंगे और लॉस होगा तो इधर लिख दो, या टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ब्रैकेट में लिख दो लॉस। कौन सी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, 4:3:3 करोगे तो एक का तो 20,000, 50,000 का लॉस है, नोट कर लो। एक का 15, दूसरे का भी 15, यहां तक क्लियर हुआ। इनकी ड्रॉइंग्स भी इधर की है 10,000 ईच, तो ड्रॉइंग्स भी कैपिटल को रिड्यूस करती है, इधर लिखेंगे, लिखो टू ड्रॉइंग्स, जितना अमाउंट दे रखा है ड्रॉइंग्स अकाउंट 10,000 तीनों की है, बता रखी है क्वेश्चन में। अब ये बैलेंस शीट आ गई, नोट करना, और कोई आइटम नहीं है।
अब इनकी क्लोजिंग करते हैं। क्लोजिंग करते हैं तो ये जो डेट आएगी, लिखो यहां टू बैलेंस सीडी, ये कौन सी डेट पे आ गए? अब एक साल बाद, क्योंकि एक साल बाद का प्रॉफिट दे रखा था और ड्यूरिंग द ईयर की ड्रॉइंग्स दे रखी थी, यानी कि कौन सी डेट के आ गए? 31 मार्च 2023 लिख दो। इसका तो इधर का टोटल 1 लाख है, सभी की ये वाली साइड ज्यादा है तो लिखते चले जाओ। तीनों के बैलेंस, इसका 60 दे रखा है, लिख दो 60। ये तो लिख दो 1 लाख ही आ गया, इसका 80,000 है, लिख दो 80, और इसका 60। एक एक करके करते जाओ। 1 लाख में से 30 माइनस करो तो इसका तो आ गया 70,000। इस डेट को बैलेंस, जो बैलेंस शीट में जाएगा, इसी के बेस पे रियलाइजेशन बनेगा। इसका दे रखा है 25, इसमें से 25 माइनस करो तो इसका 55,000 आ गया। क्लियर है? इसमें से इसका माइनस करोगे तो ये 35,000 आ गया। ये चीज क्लियर हो गई? ये तो बन गया कैपिटल। ये वर्किंग में बनाने हैं दोनों चीज, याद रख लो। फेयर में तो रियलाइजेशन बना के दिखा देंगे, अब बनाएंगे मेमोरेंडम बैलेंस शीट। अब जो कैपिटल के बैलेंस आएंगे ये वाले नहीं आएंगे। कौन सी डेट को बन रही है? इस डेट को, तो उस डेट के बैलेंस चाहिए हमें, वो ये बन गए। अब यहां लिखो कैपिटल अकाउंट्स। तो ए का दे रखा है, एक बी का दे रखा है, एक सी का दे रखा है। 70,000 लिख दो, ये रहा। दूसरे का 55,000 है, तीसरे का 35,000 है, और आपको क्रेडिटर भी बता रखे हैं क्वेश्चन के अंदर, नोट करो 24,000 के, लिख दो क्रेडिटर्स 24,000। क्लियर है? साथ में क्वेश्चन के अंदर कैश इन हैंड बता रखा है, तो वो असेट्स है, लिखो कैश इन हैंड रखे हैं, वो लिखते जाओ। जो डिफरेंस आएगा अपने आप सेंडरी असेट्स आएगी। अब कुछ नहीं दे रखा और तो रिलीज बता रखी है और पेड बता रखी है, वो यहाँ नहीं आएगी, वो रियलाइजेशन में आएगी। अब ये जो बैलेंसिंग आएगी यही तो निकलेगी हमारी सेंडरी असेट्स। लिख दो यहाँ कितनी आई है, अभी बता देते हैं आपको। यहाँ लिख दो बैलेंसिंग फिगर, ये रही। टोटल करते हैं इधर का 7, ये तो 1 लाख हो गया, 150, 160, 184 आ गया इधर का टोटल, लिख दो 184। इधर का भी 184 लिखो इधर का, और 4 माइनस करो तो आपको पता चल गई हमारी सन्ड्री असेट्स कितनी आई है, 180। अब ये बेस बनेगी रियलाइजेशन के लिए। अब इसका प्रिपेयर करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट, कैसे बनेगा नोट करो। मेमोरेंडम बैलेंस शीट से स्टार्टिंग करो। असेट्स है तो डेबिट साइड आएगी, क्योंकि उसके बैलेंस डेबिट है, तो लिखो डेबिट साइड। यहां लिख दो जो आपने सन्ड्री असेट्स अभी अभी निकाली थी, याद करो कितने की थी, याद करो ये 1,80,000, वो लिख दो। लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर दिखा रखे थे, क्योंकि उसके बैलेंस क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड आएंगे, लिख दो क्रेडिटर। ये तो अभी आपका वर्क बैलेंस शीट से हो रहा है। कितने के थे? 24,000। ये चीज क्लियर हो गई। अब ये बता रखा है कि ये सेंडरी असेट्स रिलीज हो गई आपकी 3 लाख रुपए की। जब कभी भी असेट्स रिलीज होगी या टेक ओवर होगी, इधर लाइबिलिटी पे ऑफ होगी या कोई अदर पार्टनर पे करेगा, तो डेबिट साइड। यहां लिख दो बाई बैंक जितने में सेल आउट करी आपने, और ब्रैकेट में कर दो असेट सोल्ड। 3 लाख रुपए की दिखा रखी है क्वेश्चन के अंदर, लिख दो 3 लाख। ये रहा, बहुत आसान है। 24 के बारे में लिखा हुआ है कि पे कर दिया 23,500 में, लिख दो यहां पर क्रेडिटर पेड 23,500, जितने अमाउंट पेड किया। चलो ये क्लियर हो गया। अब चलते हैं प्रॉफिट या लॉस। क्लियर दिख रहा है प्रॉफिट है, क्योंकि वैसे ही दिख रहा है। देखो 180 के असेट्स थी, 3 लाख में सेल आउट हो रही है, ज्यादा की सेल आउट हुई है, तो उधर का टोटल करो। टोटल करते हो तो 3,24,000 आ गया, लिख दो दोनों साइड 3,24,000, और लिख दो प्रॉफिट ट्रांसफर टू। और कितना प्रॉफिट आएगा ये जरा चेक कर लो, 1,20,500 आएगा, लिख लो 1,20,500। अब ये डिस्ट्रीब्यूट होगा पार्टनर में। यहां लिख दो ए कैपिटल, और उसके बाद लिख दो यहाँ बी कैपिटल। कौन सी रेशो है? 4:3:3, नोट करो, बुक में दे रखी है। कैपिटल अकाउंट अच्छी तरह से नोट कर लो, 4:3:3 करोगे तो एक का तो आएगा 48,200, दूसरे का आएगा 36,150, तीसरे का आएगा 36,150। कैसे कैलकुलेट हुआ वो भी ये देख लो। 1,20,500 इंटू 4/10, 10 कहाँ से आया? तीनों को ऐड करो, वो डिनोमिनेटर में लिखो, और ऊपर 4 से मल्टीप्लाई। ऐसे ये कैसे आया? 1,20,500 इंटू 3/10 करोगे तो इतना आ जाएगा 36,150, ऐसे इसका आ जाएगा। ये रहा, क्लियर हो गया। ये रियलाइजेशन हमारा बन गया, क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करते हैं। आज हमारे अब ये 46 तक कंप्लीट हो गए। आप यहाँ तक प्रैक्टिस कीजिए, कोई भी डाउट लगता है यू आस्क इन कमेंट सेक्शन। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, नेक्स्ट क्लास में जल्दी मिलते हैं।